थैंक यू वेरी मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स एज़ वेल आपकी अभी भी जान को भी हम याद करें आपके बच्चों को एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड कीप लिसनिंग टू ग्रेट नाना और नजम शराज साहब अभी हमारे साथ में शामिल होने जा रहे हैं नजम साहब आपका इस्तकबाल है अस्सलाम वालेकुम नेमतुल्लाह व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि सिस्टर पवन कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक हूं नजम साहब फरमाइए आप कैसे हैं नान वेरी शुआ की बहुत सारे लोग आपके फेसबुक के जरिए भी अब लाइव आपके साथ में हो गए होंगे जी बिल्कुल आ, आना शुरू हो गए हानिया शफक वहाद शबीर अमीर हबीब राना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम लव टू सी यू थैंक यू आ, जी सिस्टर पवन आई होप के तमाम रेडियो तराना के लिसनर्स रमदान को एंजॉय कर रहे होंगे और आ, हमारी इस एफर्ट से आ, कुछ ना कुछ उनके रमज़ान में कुछ न कुछ उनके जिंदगी दिन्दग, ज़िंदगियों में थोड़ा रमजान का फोकस और आ रहा होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ बैकग्राउंड में मुझे नहीं पता अभी तो कम हो गया या नहीं हो गया आ, नहीं हो सकता है कि कुछ वाईफाई फाई या इंटरनेट सिग्नल में हो लेकिन यहाँ तो बहुत क्वाइट है कि अगर आज वक्त मिले तो आप आपका जो नया नज्म है आखिर में अगर आपके पास वक्त हो तो आप हमें जरूर सुनाना नहीं तो हम अगर आज नहीं तो कल भी इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं लेकिन कल का जो सवाल हमारा रह गया था माफी के लिए एक सवाल आया है जनाब सिद्दीक साहब ऊबर ड्राइवर है और उन्होंने कहा नियम से वो हमारे इस प्रोग्राम को रोज सुबह सवेरे शामिल हो जाते हैं और इस सेगमेंट को सुनते हैं उन्होंने कहा कि कभी कभी गुमराही के रास्ते पर इंसान होता है और कुछ ऐसे काम गुनाहों में वो करता है जो उन्होंने कहा वो खुद ऐसे राहों पे थे और गुनाहों में वो बड़े शुमार थे और जानबूझ के उनसे ये हुआ करता था क्योंकि शायद उन्होंने इस तरफ उतनी नज़र ही नहीं की कि ये गलत है लेकिन उन्होंने कहा उम्र के साथ में उनको एक रियलाइजेशन आया कि हाँ मैंने गलत किया और उन्होंने कहा कि अब तो मैं नेक रास्ते पर हूँ अल्लाह के रास्ते पर हूँ लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे जहन में ऐसा होता हमेशा होता है कि हर बात की सजा तो मिलती ही है लेकिन मैंने तोबा कर दिया है क्या फिर भी मुझे सजा के लिए इंतजार करना चाहिए ब्यूटिफुल क्वेश्चन और सदीक भाई से मैं यही कहूँगा कि मैं भी उन्हीं राहों से आया हूँ जिन जिस तरह की राहों की आप बात कर रहे हैं पहली बात तो ये है कि ये जो आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है ये शैतान है इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि शैतान हमेशा जब भी इंसान पलटता है तोबा करता है बेहतर इंसान बनना चाहता है तो वो गिल्ट बन कर आता है अंदर वो गिल्ट लेकर आता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपको बॉदर करने के लिए आपको आपकी नज़रों में गिराने के लिए कि तुम तो ऐसे थे तुम्हारी माफ़ी कैसे हो सकती है तुमने तो ये कुछ किया क्या इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा तो ये शैतान है और वो चाहता ये है कि आपको डिस्टर्ब कर करके बॉदर कर करके कर कर आपको ये अश्योर करवा दे आपको ये यकीन दिलवा दे कि माफ़ी नहीं हो सकती और फिर आप दोबारा वही काम करें जो आप पहले कर रहे थे क्योंकि जब आपको अंदर से ये पता लगता है या आप, आपका ये जहन बन जाता है कि यार आ, हम तो गुनागार ही हैं मेरी किस्मत में ये ही था मैं तो ऐसा ही हूँ वो नेक लोग कोई और होते हैं और यही शैतान चाहता है कि वो क्योंकि उसने अल्लाह से वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी सिलेक्शन गलत है सदीक भाई आप में और आदम सलाम में क्योंकि हम बनी आदम हैं हम आदम की औलाद हैं ऑफ हैं एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है हम में और आदम सलाम में वो ये कि उन्होंने भी अल्लाह से माफ़ी मांगी थी सब नहीं मांगते आपने मांगी मैंने भी अल्लाह से माफ़ी मांगी बहुत सारे लोग जस्टिफाई करते हैं एक्सक्यूज देते हैं टाइम बाय करते हैं और डिले करते हैं कि शायद जिंदगी और मिल जाएगी और फिर तबा कर लेंगे हज कर लेंगे तो आदम की सुन्नत में जब कोई माफ़ी मांगता है तो शैतान जो है वो उसको बहुत नागवार गुजरता है क्योंकि शैतान को माफ़ी की तोफ़ी नहीं मिली शैतान को माफ़ी की एबिलिटी नहीं मिली तो उसने ख़ुद चूज़ किया कि मैं अपने गुनाह पे स्टैंड लूँगा तो जब कोई अल्लाह का बंदा आदमिल्सम की सुन्नत में जब वो भी अल्लाह से तौबा करता है माफ़ी मांगता है तो शैतान उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि तूने जिसको चूज़ किया है ये सिलेक्शन सही नहीं है और जिसको अल्लाह ने चूज़ किया है वो माफ़ी मांगता है वो तोबा करता है तो पहली बात तो ये है कि जब भी हम माफ़ी मांगते हैं अल्लाह उस लम्हे अगर हम सच्चे दिल से मांगते हैं क्योंकि अल्लाह से के साथ ड्रामा नहीं किया जा सकता ये जो हम मैंने भी वो वाली दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह माफ़ कर दे और अंदर से दिल कह रहा था कि मैं तो बदलूंगा नहीं बस तू माफ़ कर दे तो अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है तो अल्लाह ने उसी वक्त राइट दैट वेरी मोमेंट अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ कर दिया अब उसके बाद क्या रह जाता है उसके बाद रह जाता है सच्ची तोबा माफ़ी फ़ौर मिलती है तौबा का मतलब होता है पलटना यू टर्न तो किस चीज से पलटना उस एनवायरमेंट से उस स्टेट ऑफ माइंड से उस आदत से उस कंपनी से उन चीजों के करीब भी ना जाना यानी उस गली से भी ना गुजरना उस तौबा में कभी कभी हम मार खा जाते हैं माफी अल्लाह की तरफ से फौरन मिलती है जरा इस बात को गौर से सुनिएगा समझिएगा क्योंकि लोग ये समझते हैं कि तौबा और माफ़ी एक ही चीज़ है ऐसा बिल्कुल नहीं है माफ़ी के लिए अल्लाह ने वर्ड यूज़ किया है मकफरत अस्तफार और तौबा का मतलब होता है पलटना माफ़ी की पहली शर्त और पहला स्टेप ये है कि माफ़ी मिल जाएगी अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है लेकिन आप पहले पलटें टर्न बैक तो अगर सद्दीक़ साहब ये समझते हैं कि उन्होंने आ, अपनी कमर या, यानी आ, मुड़ चुके हैं वहाँ से उस जिंदगी से उस रविश से और ये शैतान बौदर कर रहा है तो इसका हल क्या है इसका हल बड़ा आसान है सराता है बीस नंबर सूरा उसकी आयत नंबर एटी टू में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें और याद भी कर लें सूरह हा है ट्वेंटी नंबर सूरह उसकी एटी टू नंबर आयत है एक लाइन की आयत है सिर्फ आप गाड़ी चलाते हुए ऊबर चलाते हुए आते जाते आप उसको रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि याद रखिए शैतान का सिर्फ एक ही तोड़ है और वो है आयत ऑफ ऑफ अल्लाह जिक्र अल्लाह नसीहत ऑफ अल्लाह सिर्फ जुबान से जिक्र करने से शैतान नहीं जाता है जब नसीहत दिमाग में बैठ जाती है तो वो फिर लड़ती है शैतान की सोच से पेनाडॉल पेनाडोल पेनाडोल कहने से कभी भी आप बीमारी को नहीं भगा सकते पानाडॉल खाने से एंटीबायोटिक खाने से बीमारी जाती है तो अल्लाह की आयत में जो नसीहत है सदीक साहब वो नसीहत को यहाँ पे बैठ जाना अच्छी तरह ये ज़रूरी है शैतान से डील करने के लिए तो सुरह ताहा ट्वेंटी उसकी आयत नंबर एटी टू में अल्लाह फरमाते हैं बिसम कि इन्नी लागफ़ार बेशक मैं माफ़ करने वाला हूँ बेशक मैं गफ्फार हूँ, किसके लिए हूँ? नंबर वन लिमन ताबा जो तोबा करे पलटे अपनी उस, रव, उस रविश से जो आपने कर लिया पहला स्टेप आपने ले लिया माशाल्लाह। और ये सवाल आना इस बात की दलील है कि आपने वाकई खुलूस के साथ तोबा की है वरना आप सवाल ना करते आप जो है वो उसी गिल्ट में रहते हैं और फिर इवेंचुअली आप वापस चले जाते हैं लेकिन आपने ये सवाल किया दैट मीन्स आई यू डोंट वॉन्ट टू गो बैक आप वापस नहीं जाना चाहते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी लगफार बेशक मैं गफ्फार हूँ किसके लिए लिमन ताबा जो यूटर्न मारे जो पलटे नंबर टू व आमना और ईमान लाए यहाँ हम में से बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं हम माफ़ी भी मांगते हैं और कभी कभी नो भी कर देते हैं गुनाह को पलटते भी हैं लेकिन ईमान में इजाफा नहीं होता ईमान में इजाफा होगा तो शैतान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें हमारा यकीन बढ़ेगा हमारी हमें अल्लाह की कुर्बत मिलेगी तो फिर इस तरह के थॉट्स नहीं आएंगे पता नहीं माफी हुई नहीं हुई क्योंकि अल्लाह की बात पे ईमान होना जरूरी है अल्लाह अपनी बात से फिरते नहीं हैं नाउज बिल्ला अल्लाह अपनी बात से पैक ऑफ नहीं होते तो जब वो कह रहे हैं इन्हीं लग्फार बेशक मैं माफ़ करता हूँ लिमन ताबा जो भी तोबा करता है पलटता है वह आमना और फिर ईमान लाता है किस चीज़ पर ईमान लाता है जो अल्लाह ने अपने कलाम में अपने कुरान में अपनी आयत के जरिए जो हमें हिदायत दी है जो हमें रास्ता दिखाया है जो रोज हमारी जिंदगी में जो आयत एप्लीकेबल हैं उन आयत से एग्री करना है ईमान लाना है बगैर कुरान के साथ इन टच रहे कैसे ईमान बढ़ेगा अल्लाह के रसूल वसल्लम का यह फरमान है कि तुम अल्लाह के करीब हो ही नहीं सकते उस चीज से बढ़कर किसी चीज से जो आप जो अल्लाह के अंदर से निकली है यानी कुरान तो कुरान से रुजू रहेगा तो अल्लाह की अल्लाह करीब रहेंगे अल्लाह करीब रहेंगे तो कभी शैतान को मौका ही नहीं मिलेगा बीच में आने का औलाद मां बाप के साथ होती है तो किसी की मजाल नहीं होती चाहे माँ बाप टारजन ना भी हों लेकिन किसी की मजाल नहीं होती कि बच्चे को हाथ लगा सकें या बच्चे को आपसे चुरा सकें बच्चा अकेला बाहर निकलता है तो किडनैप हो जाता है तो अल्लाह के करीब होंगे तो शैतान को कैसे मौका मिलेगा जब अल्लाह से रोज कम्युनिकेशन में होंगे जब अल्लाह से रोज आपकी इंटरेक्शन हो रही होगी आपको रोज कुरान बता रहा होगा कि अल्लाह क्या चाहते हैं आपसे आप रोज अल्लाह से रुझू कर रहे होंगे सवाल पूछ रहे होंगे तो आप वो नौबत ही नहीं आएगी ये शैतान को मौका तभी मिलता है गिल्ट पैदा करने का ये फीलिंग लाने का जब हम अल्लाह से कम्युनिकेशन में नहीं होते तो आज की जो आपके इस रमजान की जो खास बात है वो ये दरवाजा खुल रहा है आपके लिए कम्युनिकेशन का कि आपको अल्लाह ताला का ये वादा है कि इन्नी लगफार बेशक मैं माफ़ करता हूँ लिमन तोबा जो पलट लेता है जो पलट जाता है और उसके बाद वह आमना और फिर ईमान लाता है एग्री करता है ईमान बढ़ाता है ईमान को वेरीफाई करता है ईमान के ऊपर काम करता है और आमतौर पे जब ईमान की बात आती है ईमान बढ़ाने की बात आती है तो हम कहते हैं हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ने से पहले एक स्टेप है वो ये है कि जो नमाज में पढ़ने जा रहा हूं उसको जरा मैं समझ लू पहले उसके लिए कुरान खोलना पड़ेगा कुरान की समझ आएगी तो नमाज इफेक्टिव होगी नमाज की समझ आएगी नमाज में अल्लाह से रबता होगा तो कुरान आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अल्लाह के करीब होने के लिए आपको कुरान के रस्ते जाना पड़ेगा तो जब आप आयत के साथ रोज अपना मुशाहिदा करेंगे रोज आयत के आईने में अपने आप को देखेंगे तो ईमान बढ़ेगा कि शुक्र है मैं सही रस्ते पर जा रहा हूँ आप ऊबर चलाते हैं और एक एक प्रोफेशनल ड्राइवर को हमेशा जीपीएस चाहिए होता है अल्टरनेट रूट्स चाहिए होते हैं उसको कोई नई मंजिल पे जाने के लिए एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए होता है आयात को हमने जीपीएस बनाना है आयात हमें बताएंगी कि पहले हम यहाँ खड़े हुए थे फिर हमने तोबा की अब हम यहाँ आ गए हैं अब हम ईमान वालों की आयात में आ चुके हैं अब हम इन आयात को पूरा कर रहे हैं इस तरह हमें हमारा सफ़र दिखाता है पूरा कुरान के अब आप राउंड अबाउट पर नहीं घूम रहे बल्कि आप आगे आ गए हैं ईमान के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं वा अमिला सोलेहन तीसरा स्टेप पहला स्टेप था कि तौबा करनी है पलटना है दूसरा स्टेप है ईमान लाना है अल्लाह की आयत पर और तीसरा स्टेप है अमिला सोलह तो आयत जब आपको बताएंगी कि आप ये वाला एक्शन ठीक नहीं कर रहे आप ये वाली सोच ठीक नहीं है तो उसको करेक्ट कर लिया ये थर्ड स्टेप हो गया तो चौथा स्टेप खुद ब खुद हो जाएगा अल्लाह ताला कहते हैं तदा और फिर हिदायत याफ्ता हो जाए तो सफर कहाँ से शुरू हुआ तोबा से हमने माना फिर ईमान अपने दिलो दिमाग में डाला आयात से तीसरी चीज हमने जब ईमान अंदर गया तो हमने अपने अमल को करेक्ट किया और चौथी चीज हमें हिदायत मिल गई मिसाल के तौर पे आपकी फील्ड से एक आखिरी मिसाल और दे देता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा आप पैसेंजर को लेकर जा रहे थे और आपने गलत टर्न ले लिया अब आपको क्या करना है क्या उसको किसी और मंजिल पर ले जाएं या उसको उसकी मंजिल पर छोड़ के आना है यह आपकी प्रोफेशनल एक जॉब है तो आप पहला एग्जिट लेंगे फर्स्ट एग्जिट के फौरन में वापस आऊं इसको तोबा कहते हैं अच्छा वापस आने के बाद आप दोबारा से अपने जीपीएस को देखेंगे कि मैंने कौन सी गलती की थी अब कौन सा रोड लेना है इसको ईमान कहते हैं एग्री किया आपने दोबारा कि अच्छा मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है उसके बाद आप खड़े नहीं रहे आपने वो रोड ले ली जो लेनी चाहिए थी इसको अमिला सोलहन कहते हैं आपने अपने अमल को क्रैक कर लिया सोलह कर लिया सो महतदा अब आप अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे तो इनशाला तला एक दफा कुरान आपकी लाइफ में खुल जाएगा एक दफा अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी तो शैतान को कभी मौका नहीं मिलेगा दोबारा ये गिल्ट की फीलिंग्स लाने का फिर वो और कोई चीज लेकर आएगा तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी है अब उसके कलाम की तरफ आ जाए कभी आपको इन शैतान माजी से पास्ट से नहीं आएगा दोबारा जी सिस्टर साहब आज आप करेंगे नजम तो मैं कर सकता हूँ बट कोई आपका अहम कोई सवाल या कोई क्वेश्चन रह तो नहीं जाएगा हम कर भी कर लेंगे, नज़म साहब, अच्छा। बहुत एह... <laughs> <laughs> क्योंकि मेरे पास दो तीन दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही है नजम साहब और मैं हम्म ये मेरा दिल ये मेरी जान ये मेरा दिल ये मेरी जान है रमजान मेरी पहचान ये मेरा दिल ये मेरी जान है रमजान मेरी पहचान अल्लाह का ऐसा नबी का फरमान है रब का इनाम मिला है क़ुरान ईमान ही रमजान ईमान ही रमजान ये मेरा दिल ये मेरी जान है रमजान मेरी पहचान हम्म हम्म दिन के हैं रोजे रातों की इबादत मेरे प्यारे रब की सारी ही नायत मिला है हमें तोहफा ये कुरान रब की अता से मिला है फुरकान, ईमान ही रमजान ईमान ही रमजान ये मेरा दिल ये मेरी जान है रमजान मेरी पहचान <سؤالس> إيمانه رمضان هو الله لا إله إلا الله لا إله إلا, <لا إله إلا الله محمد رسول الله दुआए हैं जारी बदर के लपर ईमान का मिलने रप मेरा है जो मालिक वो सबसे अकबर वो ही मेरा राज वो ही मेरा रहबर ये मेरा दिल ये मेरी जान ये मेरा दिल ये मेरी जान है रमजान मेरी पहचान हलोर सुबह सुबह पढ़वा दी आपने मुझसे हमद और शुक्र है कि मैं पढ़ सका ये बिकाज़ सुबह उठकर जो है वो ऑब्वियसली वम्ड अप नहीं होते बट बटिए मेरी रमज़ान की फर्स्ट एवर uh, नशीद मैंने हमदुरनाद बहुत पढ़ी हैं लेकिन रमज़ान के लिए पहली दफ़ा और ये रमज़ान वाकई बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट है बिकज़ हर रमज़ान में हमारे कुछ प्यार करने वाले हमारा साथ छोड़ जाते हैं uh, दोस्त अहबाब और मेरा तो बहुत ही बड़ा असासा बहुत ही बड़ा एसेट ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता मेरे वाले साहब पिछले रमज़ान में, में मेरे साथ थे इस रमजान में नहीं है तो अल्लाह जाने नेक्स्ट रमजान में हम भी होंगे या नहीं या कोई हमारा प्यार करने वाला होगा या नहीं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी रमज़ान आए तो इसको एक रिमाइंडर के तौर पे ही लिया जाए जैसा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं उन्होंने फ़रमाया था कि रमज़ान ईमान और एहतसाब के साथ अपनाना चाहिए इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए यानी अपनी अकाउंटबिलिटी करनी चाहिए कि अगर आज मेरा बुलावा आ जाए आज मुझे अल्लाह के सामने जाना हो तो क्या मैं माफ़ी मांग चुका हूँ क्या मैंने अपने हालात को अपनी ज़िंदगी को वेरीफ़ाई कर लिया है उसके कलाम से जिस तरह आप जब सुबह एग्ज़ाम होता है तो शाम को आप वेरीफाई कर रहे होते हैं जो आपने याद किया होता है उसको टेक्स्ट बुक से आप देख रहे होते हैं कि मैंने सही समझा है ये आंसर्स मेरे सही हैं ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये जवाब मैं ठीक दूंगा इसी तरह एक मोमिन एक मुसलमान हमेशा चेक कर रहा होता है कि अगर आज हिसाब हो गया तो क्या मेरे एक्शंस मेरी पूरी ज़िंदगी क्या मेरे पास आयात हैं सपोर्टिव क्या मैं आयात की बाउंड्री में हूँ और रमजान का मकसद ये होता है कि हम चेक करें कि क्या हम आयात की बाउंड्री में हैं हम अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के फ़रमान की बाउंड्री में हैं अगर ये वाला रमज़ान हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो हमें फ़िक्र पड़ जानी चाहिए हमें फ़ौरी तौर पे उसके लिए कुरान को खोलना चाहिए और ये आखिरी आज की जो बात मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ ताहा में ट्वेंटी सूर्य में क़्यामत वाले दिन वो शिकायत कर रहा है अल्लाह से कि अल्लाह मेरी तो आँखें थीं तो आज मैं अंधा क्यों हूँ क्यों मुझे नज़र नहीं आ रहा है तो उसको जवाब मिलेगा इसलिए कि तेरे पास हमारी आयात आई थी क्योंकि ये जो आयात आप और मैं सुनते हैं रोज ये इस दुनिया की और अगली दुनिया की बसारत साइट देने के लिए हमें आ, आ, दी जा रही है ताकि हमें वो नजर आना शुरू हो जाए जो हम नहीं देख रहे जो अल्लाह हमें दिखाना चाहते हैं मैट्रिक्स की तरह मैट्रिक्स में जब उसने वो पिल ली थी ब्लू पिल और रेड पिल तो उसको मैट्रिक्स नजर आनी शुरू हो गई थी जो आम लोगों को नजर नहीं आ रही थी एक आम इंसान वही जॉब करियर रोजी रोटी बच्चे माँ बाप हजबेंड वाइफ़ इससे आगे देखता ही नहीं है उसका फ्यूचर दुनिया की हद तक है एक अल्लाह का बंदा जिसको आयात की रोशनी मिलती है वो दुनिया में भी दूर तक सोचता है और वो आखरत का भी सोचता है तो ये हदीस मुबारक भी है कि मोमिन की फरासत से तकवा लो वो अल्लाह के नूर से देखता है तो ये आयात नूर बन के हमें इस दुनिया में भी वो दिखाती हैं जो हम नहीं देख पा रहे होते ना अपनी ज़ात में देख पा रहे होते हैं ना अपने बच्चों में देख पा रहे होते हैं ना अपनी पूरी जिंदगी में देख पा रहे होते हैं कि जिंदगी में क्या क्या डिस्टर्बेंसेज हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं डिस्टर्बेंसेज प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल इशूज़ में ही हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हम अल्लाह के सामने कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं मुझे अंधा क्यों उठाया तो फिर जवाब मिल रहा है कि तुम्हें आयात मिली थी तुम्हें आयात दी थी लेकिन तुमने उनको नज़रअंदाज कर दिया इग्नोर कर दिया तो इनशाला हम ऐसा नहीं करेंगे इस रमज़ान में और विद बेस्ट ऑफ़ एबिलिटी हम अपना एहतसाब करेंगे अपना मुहासबा करेंगे अपने आप को इवेल्यूट करेंगे एनालाइज करेंगे रियलाइज़ करेंगे दैट इज़ एक्चुअल रमज़ान खाना पीना और आ, आ, सहर और रफ्तार ये तो हमें बचपन से सीख लिया जो हमें ऐड करना है वो ये है कि रोजे की एक्चुअल स्पिरिट ही है कि नफ़्स को रोज़े में लेकर आना है नफ्स को सोम में लेकर आना है और उसके लिए हमें अल्लाह का कलाम अल्लाह की आयत चाहिए ताकि हमारा नफ्स कंट्रोल में आए हमारी सोचे एड्रेस हों जिस तरह सिद्दीक़ साहब ने आज एड्रेस करवाया है अपने प्रॉब्लम को एड्रेस किया है अपने इशू को तो उनको आयात मिली है उनको कम्युनिकेशन मिली है उनको आ, कुरान आ, खोलने की एक अल्लाह ने तोफ़ी दी है आज चाहे मेरे ज़रिए ही सुनवाया है तो ये एक ब्लेसिंग है एंड थैंक्स टू रेडियो तराना फॉर मेकिंग इट हैपन फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल द ब्रोकन हार्ट्स या जो भी बेचैनियाँ बेतमनानियाँ किसी के दिल में भी हैं अल्लाह uh, इस चैनल के ज़रिए यह बात वहाँ तक पहुँचा रहा है और जो पहले से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको रीअश्योरेंस मिल रही होगी थैंक यू वेरी मच सिस्टर पवन थैंक यू टू यू टू नजम साहब मैं आपको कल दोबारा कांटेक्ट करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए असल वाले नजम साहब लाइव हमारे साथ जी होप आज की ट्रांसमिशन जो है वो उसने सबके ईमान को चार्ज कर दिया होगा कुरान में खुशखबरियाँ भी हैं और वार्निंग्स भी हैं तो वार्निंग ले लेनी चाहिए एट द राइट टाइम तभी खुशखबरियाँ भी मिलती हैं हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई बहन रहे आ, कामरान अहमद पलवर शाह शहजाद फराह सलीम अयाज़ गल हमारे साथ रहे माशा मनोरंजन दुनिया सेज़ थैंक यू नजम साहब इज़्ज़त मलिक सैज़ माशा अब्दुलरमान रिमशाह निसाराजी वेरी हार्ड टचिंग ईमान ही रमज़ान आकफ़ गानी सैज़ माशा अली वक्कास हमारे साथ आ, अयाज़ कहते हैं माशाल्लाह नजम भाई आपका लेक्चर सुन के बे बेताब होता हूँ बट जिस टाइम आप स्टार्ट करते हैं उस वक़्त मैं बिज़ी होता हूँ हमारी टाइमिंग नहीं मिलती कोई बात नहीं आप बाद में इस पर सुन सकते हैं फेसबुक पे और ये लेक्चर क्या है ये अपना एक ईमान है जो मैं ख़ुद को भी रिवाइव करता हूँ आपसे भी शेयर करता हूँ आमिर हबीब राना हमीद हमीद अख्लाक अहमद रज़ा जमाती वालेकुम अस्सलाम हानिया शफक आमिर हबीबराना वहा शबीर साहब और ये सब लोग हमारे साथ रहे इनशा महबूबाबासी सैज़ अलकम्स इनशा कल जिंदगी रही तो दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी और मेरे फेसबुक के जरिए आपको कैनेडा वन टी वी की जो ट्रांसमिशन देखने को मिल रही है शहर में और अफतार में मैं लाइव होता हूँ कैनेडा वन टी वी पर जो फेसबुक के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते हैं आप उस पर भी ज़रूर कॉमेंट किया करें आ, उस पर भी ज़रूर अपनी आ, फीलिंग्स लिखा करें तो मैं लाइव भी उसका जवाब दे सकता हूँ या बाद में भी अगर आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं बहुत ज़ोरदार ट्रांसमिशन हो रही है और कनाडा नॉर्थ अमेरिका की कम्युनिटी जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है फ़ोन कॉल्स करके ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो आ, हमारी ट्रांसमिशन को ले रहे हैं हमारी बात को ले रहे हैं साबिर जुल्फ़ी साहब कहते हैं नजम भाई ग्रेट थैंक यू वेरी मच इनशाला कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी आई एल स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स विद माई मदर जो कि मैं रोज़ ट्रांसमिशन पर जाने से पहले वालदा के साथ टाइम गुजारता हूँ मेरे लिए हर रोज़ ही मदर्स डे है अल्लाह उनको सलामत रखे आपकी भी वालदा वालदे को अल्लाह सलामत रखे उनका साया आपके ऊपर असलकूम वरहि वबरकता